राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल्स या पा, जहाँ पे मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो पद्मावती है वो श्रीनिवास से पूछ रही होती है उनके न आने का कारण और उनको उपहार भेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही होती हैं, लेकिन श्रीनिवास उपहार लेने से मना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वासुदेव आते हैं और यहाँ पर श्रीनिवास का सत्य बताते हैं कि वो ऋषि भृगु के यहाँ पर एक रसोइये का काम करते हैं, जिसे सुनकर पद्मावती को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। यहाँ पर वो कहती हैं कि क्या ये सब कुछ सच है जो वासुदेव कह रहे हैं, और श्री यहाँ पर मान जाते हैं और पद्मावती यहाँ से नाराज़ होकर के चली जाती हैं और श्रीनिवास काफ़ी ज़्यादा उदास रहते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो गोविंद राज है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं श्रीनिवास को देख करके कि आखिर उनकी जो दशा है वो दिन पर दिन ख़राब क्यों होती जा रही है, वो क्यों इतना उदास रहने लगे हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी श्रीनिवास की याद में उसी स्थान पर मौजूद होती हैं जहाँ पर श्रीनिवास ने पहली बार उन्हें नृत्य दिखाया था, और वहाँ पर वो अपने नृत्य की प्रैक्टिस करती हैं और श्रीनिवास को स्मरण भी करती हैं कि कैसे उन्होंने डांस सिखाया था। और इधर दिखाया जाएगा कि नदी के किनारे श्रीनिवास बैठे होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान, उदास और हताश। तभी वहाँ पर पद्मावती आती हैं और उनके हाथ में एक चित्र होता है। वो अपने किए गए स्वभाव के लिए उनसे क्षमा मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं क्षमा चाहती हूँ, और तुम्हारे साथ जो मैंने व्यवहार किया वो उचित नहीं था, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चित्र बनाया है। और वो हूबहू एक बार फिर से वैसा ही स्वर्ण आभूषण उन्हें भेंट करने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं जैसा कि श्रीनिवास पहनते हैं, और यहाँ पर पद्मावती मान जाती हैं और श्रीनिवास को भी वो मना लेती हैं और दोनों के बीच में बातचीत ठीक हो जाती है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर भार्गवी दौड़ी दौड़ी आएगी वेंकटेश्वर मंदिर में, यानी कि नटराज मंदिर में, और वो हर जगह श्री को ढूंढेगी, सबसे पूछेगी कि वो कहाँ रहते हैं। तभी कोई युवक उन्हें बताएगा कि श्रीनिवास तो भंडार घर में रहता है गोविंद राज के साथ, और जैसे ही वो भंडार घर में जाती है गोविंद राज द्वार खोलते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को देख करके दोनों की तू तू मैं मैं शुरू हो जाती है। भार्गवी कहती है कि उसे श्रीनिवास से मिलना है, लेकिन गोविंद राज कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मिल सकती, भला तुम हो कौन। तभी श्रीनिवास के बारे में बात करते हुए बातों ही बातों में वो बताती है कि वो ऋषि भृगु की बेटी है। ये सुनकर के गोविंद राज कहते हैं कि बाप रे, इतने विद्वान इतने अच्छे ऋषि की पुत्री ऐसी भी हो सकती है, और वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर श्रीनिवास से मिलने के लिए परमिशन लेकर के गोविंद राज की भार्गवी अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर कान पकड़ कर श्रीनिवास से क्षमा मांगती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास करती हैं उनसे बातचीत करने का। और श्रीनिवास भार्गवी को देख करके खुश तो होते हैं, लेकिन वो इतने आहत होते हैं कि वो भार्गवी से कहती हैं कि अब आप क्यों आई हो, क्या चाहिए आपको यहाँ से। और भार्गवी कहती हैं कि मैंने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया वो गलत था, अनुचित था, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। और भार्गवी की बात सुनकर श्रीनिवास मुस्कुरा जाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।